व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम हो रहा है 2:50 PM और आज हमारे घर पे एक नया एसी आने वाला है। हमने इसको ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, एक महीना हो गया, एक महीने से वेट कर रहे हैं, तो आज फाइनली आएगा। डिलीवरी बॉय का फोन आया था, वैसे वो डिलीवरी करता नहीं है, वो तो ट्रक में आता है, बड़ा सा ट्रक होता है उसमें आता है। उसने बोला शाम तक वो आ जाएगा, बिकॉज डिलीवरी टाइम 7 बजे तक होता है। और वैसे हमारे घर में एक और एसी है, हमारा एसी ये है जो हमारे कमरे में लगा है, ये एसी आपको दिख रहा होगा, स्प्लिट एसी। बट तो गाइस एसी तो बहुत देर में आएगा, शाम को आएगा, तो अभी कुछ भूख सी लग रही है मुझे, तो देखते हैं खाने में क्या बनाया। तो गाइस आज के खाने में है आलू की सब्जी और रोटी, चलो मैं खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:15 और एसी वाले भैया आ चुके हैं, बाहर उनका ट्रक खड़ा है, चलो फिर चलते हैं बाहर। एसी आ चुका है, ये रहा, आ गया आ गया आ गया। एसी ये रहा मेरे पीछे, आपको दिख रहा होगा, हमने मंगवाया ब्लू स्टार का 3-star 2-2 टन का एसी, पीछे लगाया आपको दिख रहा होगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको होम टूर में दिखाया था कि हमारे अंदर में दो कमरे हैं, एक तो ये कमरा है और एक ये बाहर वाला कमरा है, तो हमने दोनों 2 टन का इसलिए मंगवाया, इसलिए दोनों कमरे ठंडे हो चुके हैं और दोनों छोटे छोटे कमरे हैं, इसलिए दोनों कमरे में ठंडक हो सके, इसलिए हमने बड़ा एसी लगवाया 2 टन का। तो चलो उसे फर्स्ट स्टार्ट करके देखते हैं। तो गाइस यही चल रहा है, आपको उसके अंदर की मूव फर्दर दिख रही होगी, शायद उसकी नॉइज भी आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। अब मैं इसको थोड़ी देर चला के रखता हूँ, देखते ठंडा कितना ठंडा कर सकता है। तो गाइस हाफ एन आवर के बाद इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ जमी हुई है, इसका टेम्परेचर कितना चला गया, बहुत ठंड लग रही है, मतलब बहुत सही एसी मंगा ली हमने, सही है, बहुत सही एसी है। तो गाइस अब आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक से नहीं है, मुझे अंदर थोड़ा वीकनेस सी लग रही है, मुझे फीवर भी है हल्का हल्का, फिर मैं एसी को बंद कर देता हूँ, मुझे बीमार नहीं होना, वैसे ही बीमार हूँ और ज्यादा बीमार नहीं होना। क्या लाई है मम्मी? तो गाइस देखो मेरी मम्मी को भी बहुत जुकाम है, मुझे भी बहुत जुकाम है, तो वो हम मेरे लिए और अपने लिए कॉफ़ी बना के लाई है, बिकॉज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, थोड़ी गर्म गर्म कॉफ़ी पी लेते हैं। आप भी पियोगी ना? तो गाइस मम्मी ने कुछ ये कॉफ़ी बनाई है, देखने में तो बहुत सही लग रही है, मुझे टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मैंने भी पी के देखी, चलो फिर मैं उसको पी लेता हूँ। तो गाइस मैं भी अपने पीछे गार्डन में आया, मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ नोटिस करी जो रोज होती है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो गाइस को दिख रहा होगा ना क्या है, ये देखो। तो गाइस जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे बैंगन के पेड़ लगे हैं, तो जब हम सब रेस्ट कर रहे होते हैं तो पता नहीं कहाँ से बंदर आ जाते हैं और सब खा जाते हैं, पूरी मेहनत चली जाती है, देखते हैं बहुत कम ही बच्चे रहते हैं। आपको दिख रहा होगा एक आध ये लगा हुआ है, ये लगा है एक, और एक आध वो लगा है, एक ये लगा है, बस पूरी मेहनत जितनी भी करते हैं ना सब चली जाती है। देखो ये खाए हुए हैं सब पेड़ पे तोड़ जाते हैं बंदर। और कहीं सब एसी लग रहा था ना, उसमें बहुत एक बहुत बड़ी दिक्कत आई कि हमारा जो अंदर वाला जो कमरा था उसमें खिड़की में लगना था, पहले वहाँ पे जो आयरन की वो लगी हुई थी, छोटी छोटी क्या कहते हैं उसको, डंडियाँ सी लगी हुई थी, पहले उसे कटवाना पड़ा, तो हमने मैकेनिक को बुलाया था, वो जान पहचान का था क्योंकि लॉकडाउन में कोई आता नहीं था, इसे उसे कटवाया ना तो उसकी जो एंगल ग्राइंडर होता है उसकी चिप होती वही ख़राब हो गई, फिर बड़ी मुश्किल से वो कटा, कम से कम उसमें 1-1.5 घंटा लग गया। और जो एसी लगाने वाला आए थे ना वो तो मुझे मतलब
अजीब सी लग रहे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे। वो दो बंदे थे, एक बंदा उनको गाइड कर रहा था ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, वो खुद कुछ नहीं कर रहा था। और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हमको कुछ दिन पहले यूट्यूब पे 1 ईयर कम्प्लीट हो चुका है। अभी मुझे फिर एज की आई, हमको 1 साल हो चुका है। 28 अप्रैल को हो गया था, 2020 को हमने चालू किया था, 2021 हो चुकी है, तो मई आ चुका है, हमको 1 ईयर कम्प्लीट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। और आज जब ये व्लॉग आएगा तो आप मेरे चैनल पे नोटिस करना, मैंने अपने लोगो चेंज किया है। कमेंट करके बताना मेरा चैनल का लोगो कैसा लग रहा है। आई होप यू विल कमेंट। कहीं से ना कोई भी गेट के बाहर से निकलता है ना, भौंकने लगता है, पता नहीं क्या है इसको। क्यों क्यों भौंक रहा हो मैक्स? बंदर 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 मैक्स बंदर 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 छू 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 मैक्स बंदर छू देखना गाइस कैसे कर रहा है। बाय। ये ना अभी बंधा है, ये अभी बंधा है, ये रो रहा है, इसको खोल दो मुझे। पर इसको अभी खोलेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत लोग आते हैं घर में, ये सब पे भौंकता है। देखो आप किसी को देख लिया भौंकने लगता है फिर बार बार। बाय। ये नमस्ते नमस्ते। तो बस आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपना हथौड़ा यहाँ पे लगा दिया है, बिकॉज ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा है इसलिए ऊपर अच्छा भी लगता है और नीचे जो है जगह कम है, इसलिए हमने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब जब भी मैं खेलूँगा तो उसको खेलूँगा, देव शो पीस है और वहीं ये परमानेंट हो गया है। और यार सुबह से मुझे हिचकियाँ बहुत आ रही हैं, पता नहीं बहुत आ रही है सुबह से, पता नहीं कौन रोज आ रही है, पता नहीं कौन मुझे इतना मिस कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। देखो बार बार आ रही है मुझे। क्यों भाई अब क्यों चुप हो गया? सब तो बड़ा भौंक रहा था। मैक्स मैक्स ए मेरा हाथ नहीं चाटना, नहीं नो नो। हेलो मैक्स। अभी मैं इसको छूंगा ना गाइस मुझे काट लेगा, इसलिए मैं अभी इसको नहीं छू रहा हूँ, बिकॉज मुझे काट सकता है अभी। जब ऐसे देखता है ना तिरछी नज़र में, मतलब एक काटने के मूड में, तो अभी यहाँ से दूर हो लेते हैं। तो गाइस बड़ी मम्मी यहाँ पे अचार बना रही है, काय का अचार है? लबेड़े का। लबेड़े का अचार। अभी तो ये उबल रहा है, फिर कटेगा, फिर बनेगा, उसको एक दो दिन लगेंगे। कटेगा नहीं, मसाला मिलेगा। अच्छा मसाला मिलेगा। एंड गाइस थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी टू मच इन द लास्ट वीडियो। मेरी लास्ट वीडियो में आपने इतना 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 अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं कुछ नहीं कह सकता। 600 व्यू हो चुके हैं केवल 6 डेज में, और पहले दिन तो 200 व्यूज पार कर गई थी वीडियो। मेरी वीडियो हाईएस्ट वीडियो बन चुकी है, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। ऐसे प्यार देना, एक दिन हमारे चैनल पे 1 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 1K वीडियोज भी 1K व्यूज भी हो जाएंगे, मेरे ख्याल से हो जाएंगे। और अगर शाम हो चुकी है, आज पापा घर पे नहीं है, वो कहीं काम से गए हैं, तो मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। टीवी देख ली, बीमार था तो आज मन भी नहीं कर रहा कि मैं पढ़ूँ। और आजकल मैं ड्राइंग्स बना रहा हूँ खूब सारी अच्छी अच्छी रियलिस्टिक, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो गाइस ये कुछ ड्राइंग है जो मैं आजकल बना रहा हूँ, और ये पहली ड्राइंग है, देखते हैं। ये एक मैंने रियलिस्टिक मैन बनाने की कोशिश की है, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है पूरा, मैंने साड़ी कंप्लीट कर ली है। ये मेरी ग्रैंड मदर है, ये मैंने साड़ी कंप्लीट कर ली है, मैं इनको फेस पे बनाना रह गया है। और एक मैंने बनाई थी ये ड्राइंग सचिन की, बट ये सचिन लग नहीं रहा है। और गाइस एक ये भी स्केच है सलमान खान का, ये बहुत पहले बनाया था, और इसकी तो पूरी वीडियो भी है, चैनल पे देख लेना। और एक वो कृष्ण जी मैंने बनाए हैं, एक ये भी है गाइस रियलिस्टिक, क्या कह सकते हैं आप, कुछ मैन वगैरह। और गाइस एक बैड न्यूज़ है कि ये मेरा स्टूडियो आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ ये सब कुछ लगा रखा था, मुझे हिचकी बहुत आ रही है, यहाँ पे लगा रखा था, बट अभी ये स्टूडियो मेरा नहीं रहा। मैंने आपको बताया था मेरे भैया कानपुर गए थे पढ़ने, पर वो वापस आ गए तो उनने कमरा फिर हथिया लिया, अब ये मेरा कमरा नहीं, अब पढ़ते हैं वो मुझे देते नहीं है, तो मैं अब वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो देखा था कल पिछली वीडियो में बैड भी बनाई, तो मैं वहां पे वीडियो बनाऊंगा, अब ये मेरा नहीं रहा। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।